शांति, 13 अगस्त 2022। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मूली के कुछ विशेष पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि स्वर्ग का मालिक बनने के लिए हमें बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम पवित्र बन उनके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चे बनेंगे। जो बच्चे ओबीडियंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है, उन्हीं को वर्षा मिलता है, कपूत को वर्षा नहीं मिल सकता। जो बच्चे इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते, जिनकी बुद्धि में रहता कि अब हमें नई दुनिया में जाना है इसलिए पवित्र जरूर बनना है, जो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं वही बच्चे विष्णुपुरी यानी स्वर्ग में जाने के लायक बनते हैं। बाबा कहते कि अब समय बहुत थोड़ा है, इसलिए हमें कांटे से फूल बन सबको फूल बनाना है, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। बाबा याद दिलाते कि हम दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, हमारे पास अकुट खजाने हैं, इसलिए हमें उदार चित बन जिसको जो चाहिए और जितना चाहिए, चाहे खुशी हो, शांति हो या स्नेह हो, वो सब हमें देते जाना है। हमें किसी से पहले लेकर फिर देने का काम नहीं करना, क्योंकि ऐसे देने को देना नहीं बल्कि बिजनेस कहते हैं। बाबा कहते कि अब हम बच्चों को अपनी मनसा को ऐसा पावरफुल बनाना है जो खराब को भी अच्छा बना दे। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। पहला प्रश्न, किनों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? उत्तर, जो क्रोध में आकर बॉम्ब्स से इतनों का मौत कर देते हैं उन पर केस कौन करे, इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। दूसरा प्रश्न, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते, बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमें सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुख धाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वे शांति धाम में रहती हैं। तो बाप के दो वर्षे हैं, सुख धाम और शांति धाम। इस समय न शांति है न सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है, तो ज़रूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खिवैया भी कहते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है।
बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। यह बेहद का खेल है। इसमें ऊंच से ऊंच मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है? ऊंच से ऊंच हैं भगवान। उनको सबका बाप कहा जाता है। वह स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। यह ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं जिससे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं सुख धाम में थी तो शरीर सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूँ। सत्युग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। बाप ही आकर पावन बनाते हैं, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती है, आत्मा कहती है, मैं इस शरीर से काम कर थक गया हूँ, अब विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ हैं। यह शरीर अब पुराना है, यह है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी नरक है। सब दुखी हैं। बाप आकर कहते हैं, इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते हैं, पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो, पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो। यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है। कपूत को वर्षा मिल ना सके, यह बाप बैठ समझाते हैं। निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। यह जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं। भल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है हम बाप दादा के बने हैं। वह बाप यह दादा बैठे हैं। यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं, सत्युग में जेल होता नहीं। वहाँ पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ गर्भ महल कहा जाता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सत्युग में ना गर्भ जेल होता, ना वह जेल होता। आधा कल्प है नई दुनिया, वहाँ सुख है। जैसे मकान पहले नया होता फिर पुराना होता है, वैसे सत्युग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सत्युग जरूर बनना है। चक्र रिपीट होता रहता है। यह बेहद का चक्र है, जिसकी नॉलेज बाप ही समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती। यह पहले पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बनी है। बाप कहते हैं, मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ, क्योंकि पतित बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। यहाँ तो पावन शरीर है नहीं। यह तो जानते हो, जो अच्छे कर्म करते हैं वह अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो, पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, यह कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिया है। यही भारत स्वर्ग था, अब तो
नरक है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे, स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम ही कितना अच्छा है। देवी देवता वाम मार्ग में आते हैं तब पुजारी बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा है यह सोमनाथ का मंदिर। जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं तो शिव बाबा, जिसने विश्व का मालिक बनाया है, उनका मंदिर बनाते हैं। खुद कितना साहूकार होंगे तब तो इतना मंदिर बनाया, जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का, वह है स्वर्ग का रचयिता। खुद मालिक नहीं बनते हैं, बाप जो सेवा करते हैं उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते खुद नहीं बनते, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं हम भगवान से जाकर मिलें, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं हैं। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है और सभी हैं जिस्मानी यात्रा कराने वाले, अनेक प्रकार की यात्रा करते हैं। यह है रूहानी यात्रा। बाप सभी आत्माओं को अपने शांति धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं। बाप आते ही हैं सेवा करने। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से दिल नहीं लगाओ, अब जाना है नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो, इसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं। सतयुग में तुम पवित्र रहते थे, उसको कहा ही जाता है पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकालते हैं। सतयुग में लॉ बना हुआ है, जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता है कि अब बच्चा होने वाला है। उसको कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, रोने की आवाज़ नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता है। यह है ही दुखधाम, सतयुग है ही सुखधाम। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुखधाम का मालिक बनने, उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हैं, तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में पाते हो। पाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिनको भगवान भगवती कहते हैं, लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान। सतयुग में उन्होंने किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है। भारत देखो कितना कंगाल है। मैं ही सबको सदगति देने आता हूँ। सतयुग प्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। बाप इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते हैं। बच्चा मर जाएगा तो भी कहेंगे हे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। बाप कहते हैं जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, उसने ही लिया, फिर रोते क्यों हो, मोह क्यों रखते हो? सतयुग में मोह होता ही नहीं है। वहाँ जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती, जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्प का मिसाल। अब तुम जानते हो ये कलयुगी शरीर बहुत पुरानी खाल है। आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब बाप से योग लगाए पावन बनना है। यह है भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो हठ योग है। शिव बाबा कहते हैं मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। माता गुरु बिगैर किसका उद्धार नहीं हो सकता है। बाप ही आकर सबकी सदगति करते हैं, तुमको भी सिखलाते हैं, फिर तुम मास्टर
सदगति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब्स आदि बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता है पता नहीं। समझते हैं एक बम फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। यह है ही कांटों की दुनिया। भारत ही फूलों की दुनिया थी, अब है वैशाल्य, फिर होगा शिवालय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भगवान तो एक ही निराकार है, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। दुख हरता सुख करता एक ही पाप है। भगवान उवाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। ये पुरानी पतित दुनिया अब खत्म होनी है। मैं पतित से पावन देवता बनाता हूँ, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर है। क्रोध आता है तो कैसे बॉम्ब से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा? इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है, सबका हिसाब किताब चुकतू कर देते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ। आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वे मनुष्य तो मनुष्यों के गाइड बनते हैं, बाप गाइड बनते हैं सर्व आत्माओं के। आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन, अब बाप हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप होता नहीं, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। यह यूनिवर्सिटी है, राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं इस शरीर का लोन लेकर आता हूँ। आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है नहीं, ये ड्रामा की नींद है। इनको फिरने में 5,000 वर्ष लगता है। कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है इनमें आत्मा है, लेकिन नहीं, यह हवा से हिलता है। तुम जैसे यहाँ बैठे हो, फिर 5,000 वर्ष बाद बैठेंगे। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटे से फूल बन सबको फूल बनाना है। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है। सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। वरदान, फराग दिल बन अकुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, किसी से कुछ लेकर फिर देना वह देना नहीं है। लिया और दिया तो यह बिजनेस हो गया। दाता के बच्चे फराग दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। यह खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। स्लोगन, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा
हो जाए। अच्छा, ओम शांति।